हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बनाएंगे स्पेशल पोर्क करी। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम चूल्हे को जला लेते हैं। उस पर रखेंगे एक भगोना, इसमें डालेंगे सरसों तेल, दो साबुत छोटी इलायची, साबुत जीरा, तेज पत्ता, लाल मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक। इसे हल्का पकने देते हैं। अब इसमें डालेंगे गोटा लहसुन, अब इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को गलने तक हम भूनेंगे। अब इसे हम ढक देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने से प्याज जल्द गल जाता है। वापस इसे हम ढक देते हैं। प्याज हल्का हल्का गलना स्टार्ट हो गया है। ये लाए हैं पास के मार्केट से 1.5 kg पोर्क मीट। ये बिल्कुल फ्रेश मीट है, आप देख सकते हैं। प्याज बिल्कुल अच्छे से गल गया है फ्रेंड्स। अब इसमें मीट को डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसे ढक देते हैं। अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ लहसुन, मिक्स करते हुए अच्छे से भूनेंगे। अब इसे ढक देते हैं। अब पहले टमाटर देंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, इसे वापस से ढक देंगे। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर,
अब इसमें डालेंगे मिर्च पाउडर, सभी को मिक्स करते हुए अच्छे से भूनेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से भुना गया है, आप देख सकते हैं इसका कलर वगैरह बहुत बढ़िया आया है। अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। पानी आप अपना ग्रेवी अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छे से चलाकर ढक देंगे। इसी तरह इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। ये बिल्कुल अच्छे से पक रहा है, बीच बीच में चलाकर चेक करते रहेंगे ताकि नीचे से सटे ना। अब इसमें डालेंगे खड़ा गरम मसाला, गरम मसाला को कूट लिया गया था। ये रेसिपी रेडी हो गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका कलर वगैरह बहुत बढ़िया आया है। इसे चूल्हे से उतार लेंगे। ये रेसिपी आपको पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, बट इसे बहुत कम लोग खाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए, मस्ती में रहिए।